करना है कि नीम गर्म पानी, आप लोगों ने नीम गर्म पानी कौन सा होता है, वो पानी जो आपकी बॉडी जो है वो बर्दाश्त कर सके, आप लोग जो है वो बेयर कर सके, ठीक है। अब आप लोग पानी की सेंसिटिविटी को कैसे देख ले, कैसे देखते हो कि वो चीज़ जो आप अपनी बॉडी में यहाँ फील करते हो या फिर अपनी बॉडी में यहाँ फील करते हो, अगर इन दो जगहों पे आपकी जो है वो पानी या दूध या जो भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म लग रहा है, इसका मतलब है कि वो चीज़ जो है वो ज़्यादा गर्म ही अपने टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि इन दो चीज़ों की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ये दो एरिया, दो स्किन के ऐसे पार्ट हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आप लोगों ने खुद भी कभी नोट किया होगा, अगर हमें कोई यहाँ पर नोच लेता है या हमें कहीं हिट हो जाता है तो हमें वहाँ ब्लूसिस बन जाता है, ब्लू कलर का निशान पड़ जाता है, नील पड़ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि नीम गर्म पानी लेंगे, उसमें अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस कि आपने उसमें पायोडीन डालना है, आपने उसमें सॉल्ट डालना है, आपने उसमें जो है वो कोई और ऐसा जो है वो एनर्जेटिक सॉल्यूशन डालना है, वो सॉल्यूशन डालने के बाद आपने क्या करना है कि अपना जो जेनिटल आपका पार्ट है आपने उसको जो है वो उस पानी के अंदर रखना है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों ने क्या करना है कि उसके अंदर जो है वो पेशेंट ने बैठना है, कितनी देर के लिए, 2 to 5 minutes के लिए आपने पेशेंट ने उसके अंदर आपने पेशेंट को बिठाना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि वो जो पानी है, या आप एक मग्गे में जो है वो अलग से पानी ले सकते हैं, उस मग्गे का जो आपका पानी है उसको आपने ऐसे लेके उस पेशेंट के स्टिचेस के ऊपर डालना है। अब आप इसको जो है वो क्या कहते हैं, चुल्लू बना के भी डालना कह सकते हैं, या फिर आप उसको जो है ना वो छिड़काव टाइप भी कह सकते हैं कि आप पेशेंट के जो स्टिचेस हैं उनको जो है वो नीम गर्म पानी से वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है आपका सिट्स बाथ, वो बाथ जो आप पानी में, जी पानी में नमक डालेंगे आप या पायोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, ये जो भी आपका एनर्जेटिक सॉल्यूशन डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ, डिटोल डालें, पानी डालें, नमक डालें, ठीक है। अक्सर जो है वो जो नॉर्मल डिलीवरीज की पेशेंट होती है या वो पेशेंट होती हैं जिनकी विजाइनल हिस्टेक्टमी हुई हुई होती है, या वो मेल पेशेंट जिनकी हेमरॉइड या पाइल्स की जो है वो सर्जरी हुई हुई होती है, तो वो पेशेंट्स क्या करते हैं, बाथ लेते हैं, वो सिट्स बाथ लेते हैं। तो सिट्स बाथ क्या होते हैं, नीम गर्म पानी में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन अपना एनर्जेसिक अपना सॉल्यूशन डालने के बाद उसके अंदर बैठना, और ये सिट्स बाद आप कितनी दफ़ा लेते हैं, दिन में 3 दफ़ा आप लेते हैं। इसके बाद हर दफ़ा आप अपना जो है वो अंडर गारमेंट चेंज करते हैं, अगर ज़रूरत है तो, अगर नहीं है तो हर दफ़ा में जितनी बार आप सिट्स बाद लेंगे उतनी ही दफ़ा आप पेशेंट का जो है वो ट्राउज़र, अगर वो हॉस्पिटलाइज है तो उसका ट्राउज़र चेंज करेंगे, और अगर वो घर पर है तो उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग चेंज करेंगे। ये हम सिट्स बाद क्यों लेते हैं, क्योंकि हम पेशेंट की पर्सनल हाइजीन करते हैं, पेशेंट को जो है वो इन्फेक्शन से बचाते हैं, कि पेशेंट का जेनिटल एरिया जो कि बहुत सेंसिटिव एरिया है हर पर्सन का, ठीक है, तो उसमें जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, जिसकी वजह से कोई पेशेंट जो है आपका वो सेप्सिस में ना चला जाए। सेप्सिस क्या होता है, इन्फेक्शन इन ब्लड, कि कोई भी इन्फेक्शन आपके किसी भी जो है वो पेशेंट आपका आपकी ज़रा सी लापरवाही की वजह से सेप्सिस में ना चला जाए, ठीक है। तो इसे आप क्या कहते हैं, इस तरीके की बात को, ये कब कब आप लेते हैं, जब किसी जेनिटल एरिया से रिलेटेड कोई भी सर्जरी हो आपकी, ठीक है, उसमें आप पेशेंट की, या फिर आपका ऐसा होता है कि अक्सर लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, आपको वहाँ पे पैचेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर आपकी जो है वो स्किन पे रैश होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आप लोग जो है वो, या डॉक्टर जो है आपको सिट्स बाथ को जो है वो इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है। तो सिट्स बाथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मीन्स ये जो पेशेंट होगा जो मतलब उसके स्टिचेस वगैरह होंगे, ये वो खुद भी कर सकता है या? खुद भी कर सकता है, वो पेशेंट आपका काम है। वैसे तो ये स्टिच बात का टब नहीं है, वो जो स्टिच बात का टब होता है उसके साथ यहाँ पर एक जो है वो बैग लगा हुआ होता है, या उसको हम जो है वो उस पर डाल देते हैं दूसरे मग वगैरह में, उससे वो एग उसके थ्रू जो है ना यहाँ से उसके ऊपर पानी
आता रहता ताकि जो उसके स्टिचेज है वो कंटिन्यूसली बैठ होते। पानी में तो ऑलरेडी बैठा हुआ होता है बंदा, लेकिन वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर जो है वो पानी आता रहता है, ठीक है। और ना भी हो तो हम नॉर्मली अपने घरों में या नॉर्मली हॉस्पिटल्स में हम लोग इसी तरीके से स्वाद देते हैं कि एक बड़ा जो है वो टब लेते हैं पेशेंट की वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कि हमारा पेशेंट कितना मतलब हेल्दी है, उसको किस हिसाब से जो है वो टब या वो चीज़ चाहिए जिसके हम अंदर हम पेशेंट को जो है वो सिट्स बाथ जो है वो करवा सकें। तो हम सिट्स बाथ जो है वो पेशेंट को करवाते हैं कब, जब पेशेंट की कोई भी जेनिटल एरिया की सर्जरी होती है। और ये जो मतलब उस पर पानी आएगा वो वेट होगा तो उसको भी इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं होगा? नहीं, क्यों इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो नीम गर्म पानी है और आपके पानी के अंदर ऑलरेडी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डाला हुआ है। उसके बाद जब पेशेंट को आप निकालेंगे उसमें से, तो आपने पेशेंट को या अपने आप को रगड़ना नहीं है, आपने अपनी बॉडी को सिर्फ सॉफ्टली जो है एक सॉफ्ट टॉवल से या फिर टिश्यू से आपने अपनी बॉडी को जो है वो पुश करना है सॉफ्टली, कि वो जितना पानी है वो आपके अंदर आपके टॉवल के अंदर जज्ब हो जाए। उसके बाद आपको डॉक्टर ने एंटी फंगल कोई भी ऐसी ट्यूब है लाइक माइसिट्रोसिन है, पॉलीफेक्स है, कोई भी ऐसी ट्यूब है जो आपको टॉपिकली यूज करनी। टॉपिकली कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं हम? एक्सटर्नली, जो सुपरफिशियली हम अपने स्किन के ऊपर एक्सटर्नली यूज करते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं टॉपिकली। तो हम जो है वो टॉपिकली उसको जो है जो भी हमारे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई होगी हम उसको जो है वो अप्लाई करेंगे ऊपर, ठीक है। कोई क्वेश्चन इस बारे में? और कोई क्वेश्चन किसी का? अगर जैसे किडनी की सर्जरी वगैरह तो किडनी से कोई रिलेशन है? सिर्फ जेनिटल एरिया आपका होता है जिसमें आपका जो है वो फीमेल की अगर हम बात करें तो वजाइना, वल्वा, यूरेथ्रा, रेक्टम आता है, और मेल की बात करें तो पीनस, टेस्टिस और रेक्टम आता है। थैंक यू।